राधे राधे आप सभी को, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस बार मुझे मार्केट में मिला ये सफ़ेद वाला करेला, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। गांव में तो बहुत मिलता है, यही करेला मिलता है, हरा वाला मिलता भी नहीं है। इधर हरा वाला ही मिलता है, ये सफ़ेद वाला बहुत कम मिलता है। तो ये तो जैसे ही मुझे दिखता है मैं तो उठा लेती हूँ। इसका मैं बनाऊँगी भरवा करेला, ये बहुत ही अच्छा बनता है, कड़वा ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर धो लिया है, तो मैंने ब्रश लिया है, ब्रश से मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसका ऊपर का पार्ट जो है वो खुदरा खुदरा सा रहता है। तो कई बार जो गलाते हैं सब्जी गट्टे में, बोरी में भरकर, तो उसका धागा वगा भी फंसा रहता है। तो इस तरह से साफ़ करने से अच्छे से साफ़ हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो ऐसे ही धो लेती हूँ, ब्रश मार देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से धो लिया है, इन सबको मैं पानी से निकाल लेती हूँ। इसका मैं एक का दो कर लेती हूँ, यानी कि बीच से मैं काट लेती हूँ, इस तरह से छोटा छोटा कर लूँगी। तो इसी तरह से सभी को काट लेना है, मैं सबको काट लेती हूँ। और इन सबको बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, हल्का सा बॉयल करना है। तो मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर बॉयल कर लिया है। तो अभी ये हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तब तक यहाँ पर मैंने लिया प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, पीला वाला सरसों, साबुत जीरा, साबुत धनिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। इधर सरसों का तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया 5 फोरन, फिर मैंने डाल दिया प्याज, इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर भूनने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर और थोड़ा सा नमक। नमक डालकर मैं थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दूंगी। ये भुन गया अच्छे से, मैं इसमें डाल देती हूँ पेस्ट। मैंने इसमें ऊपर से डाला है लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक डालकर मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। ये क्या बन गया चलिए इसे मैं मिला लेती हूँ अच्छे से। मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि मैंने सरसों के साथ ही लहसुन अदरक पीस दिया था, तो कच्चापन ना रहे, इसलिए बहुत अच्छे से भूनना है। जब तक मसाला भून रहा है तब तक मैं करेला से बीज निकाल लेती हूँ। मैंने बाकी सभी में से इसी तरह से चाकू से निकाल लिया है, बीज से कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाते हैं इस तरह। अगर आप सबको भी ये करेला मिलता है सफ़ेद वाला, तो आप सभी बनाकर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको। तो यहाँ पर मैंने सभी में से बीज निकाल लिए हैं, मसाला भी बनकर तैयार हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इन सब में एक एक करके भर लूँगी मसाला। आप चाहे तो हाथ से भी भर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से चाकू से भी भर सकते हैं, छोटे वाले चम्मच से भी भर सकते हैं। ये करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा, आप चाहे तो इसे मीठा करेला भी बोल सकते हो मीठा करेला इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ मीठा करेला। यहाँ पर मैंने मसाले भर लिए हैं सब में, अब मैं फ्राई कर लूँगी। मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं तेल बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है सरसों का, गर्म होने के बाद मैं एक एक करके करेला इसमें डाल देती हूँ। और थोड़ी देर के बाद मैंने पलट दिया है, एक एक करके इसी तरह से चारों तरफ से सेक लेना है। और ये दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप सब बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। राधे राधे।